दोस्तों स्वदेशी कंपनियों की अगर बात करें तो महिंद्रा आज हमारे देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी कंपनियों में शुमार की जाती है, क्योंकि मजबूत व्हीकल्स बनाने के लिए मशहूर इस कंपनी के प्रोडक्ट आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अब महिंद्रा कितनी सक्सेसफुल और भरोसेमंद कंपनी है यह बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जिस कंपनी को हम हमेशा से महिंद्रा एंड महिंद्रा के नाम से जानते आए हैं, असल में इस कंपनी का नाम पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद हुआ करता था। अब आज की इस वीडियो में हम आपको महिंद्रा कंपनी के इतिहास और उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसे ही अनसुनी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो फिर चलिए अब इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों महिंद्रा कंपनी के इस सफर की शुरुआत साल 1892 से हुई थी, क्योंकि इसी साल ही इस कंपनी को स्थापित करने वाले जगदीश चंद्र महिंद्रा जी का पंजाब के लुधियाना शहर में जन्म हुआ था। जगदीश चंद्र महिंद्रा, जिसे कि जेसी महिंद्रा के नाम से भी जाना जाता था, वे अपने परिवार में मौजूद 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। जेसी महिंद्रा ने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था, और क्योंकि वो परिवार में सबसे बड़े थे इसीलिए पिता के गुजर जाने के बाद से माँ और 8 भाई बहनों की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ही कंधों पर आ गई थी। हालांकि उस समय जेसी महिंद्रा की उम्र भले ही कम थी, लेकिन उनका हौसला पर्वतों की तरह बुलंद था और वे हमेशा ही दूर की सोच रखते थे। दरअसल जिस समय भारत में लोग एजुकेशन को कोई खास वैल्यू नहीं देते थे, उस दौर में भी उन्होंने पढ़ाई लिखाई के महत्व को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था, और यही वजह थी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ ही अपने भाई बहनों को भी अच्छी और उच्च शिक्षा प्राप्त करवाई थी। यहाँ तक कि उन्होंने अपने छोटे भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा को हायर एजुकेशन के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक भेजा था, और खुद जेसी महिंद्रा ने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई बॉम्बे के विक्टोरिया जुबली टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से पूरी की थी, जो कि आज के समय में वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। पढ़ाई पूरी होने के बाद से साल 1929 में जेसी महिंद्रा को टाटा स्टील कंपनी के अंदर एक अच्छी जॉब मिल गई थी, जहां उन्होंने साल 1940 तक सीनियर सेल्स मैनेजर के पद पर काम किया था। इसके बाद से दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत सरकार द्वारा उन्हें भारत का पहला स्टील कंट्रोलर नियुक्त किया गया। वहीं जेसी महिंद्रा के भाई कैलाश चंद्र महिंद्रा यानी कि केसी महिंद्रा की अगर बात करें तो फिर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद से कुछ साल अमेरिका में ही जॉब की, और फिर उसके बाद साल 1942 में उन्हें अमेरिका के अंदर इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड नियुक्त किया गया। साथ ही 1945 में जब वह भारत वापस लौट कर आए तो उन्हें भारत सरकार की इंडियन कोल्ड फील्ड कमेटी और ऑटोमोबाइल एंड ट्रैक्टर पैनल का चेयरमैन बना दिया गया। हालांकि इसके बाद भी इन दोनों भाइयों को सरकारी और कई निजी संस्थाओं से भी बहुत बड़े बड़े पद ऑफर किए गए थे, लेकिन इन्होंने फिर किसी भी पद को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि तब तक ये दोनों आपस में मिलकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का मन बना चुके थे। दरअसल उस समय भारत अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, और जेसी महिंद्रा को इस बात पर पूरा यकीन था कि भारत जल्द ही अपनी आज़ादी हासिल कर लेगा, और साथ ही वे यह भी अच्छी तरह से जानते थे कि भारत के आज़ाद हो जाने के बाद से देश के अंदर स्टील उद्योग एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। इसीलिए इन दोनों भाइयों ने अपना घर बेचा और अपने एक दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी स्टील कंपनी की शुरुआत कर दी, जिसका नाम उस समय महिंद्रा एंड मोहम्मद रखा गया था। अब आज भले ही महिंद्रा अपने पावरफुल व्हीकल्स के लिए जानी जाती है, लेकिन सच यही है कि इसकी शुरुआत एक स्टील कंपनी के रूप में ही हुई थी। उस समय दोनों महिंद्रा भाइयों ने यह सोचा था कि वे मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपनी इस कंपनी को देश की सबसे बड़ी और सबसे कामयाब स्टील कंपनी बनाएंगे, लेकिन 1947 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कि सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ तो फिर मलिक गुलाम मोहम्मद भारत को छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान चले गए, जहां पर वे पहले तो वित्त मंत्री बने और फिर बाद में पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल बने। और दोस्तों उनके इस तरह से अचानक भारत छोड़ने का महिंद्रा भाइयों और उनकी कंपनी पर बहुत गहरा असर पड़ा, क्योंकि इस कंपनी में मलिक गुलाम मोहम्मद की हिस्सेदारी भी काफ़ी ज़्यादा थी, और चूंकि पाकिस्तान चले जाने की वजह से वे कारोबार से दूर हो गए थे, इसीलिए उन्होंने कंपनी से अपनी पूरी हिस्सेदारी वापस ले ली थी। वो समय महिंद्रा कंपनी के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से भरा हुआ था, और तब ज़्यादातर लोगों ने यह अनुमान लगाया कि यह कंपनी अब ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी, लेकिन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि महिंद्रा भाइयों ने उस कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारी और वे लगातार अपनी कंपनी को चलाने का प्रयास करते रहे। आखिरकार उन दोनों भाइयों की वो मेहनत रंग लाई जिसके चलते उनकी यह कंपनी डूबने से बच गई थी।
और चूंकि अब कंपनी के एक पार्टनर यानी कि मलिक गुलाम मोहम्मद कंपनी से अलग हो चुके थे, इसीलिए दोनों भाइयों ने कंपनी का नाम बदलने का निर्णय लिया। अब वैसे तो कंपनी का नाम बदलना कोई बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं था, लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम के चलते कंपनी की सारी स्टेशनरी M&M नाम से छप चुकी थी और कंपनी की हालत उस समय ऐसी नहीं थी कि वो नई स्टेशनरी पर खर्चा कर सके। इसीलिए दोनों महिंद्रा भाई कंपनी को कोई ऐसा नाम देना चाहते थे जिससे कि उनकी यह स्टेशनरी बेकार न जाए। इसीलिए काफी सोच विचार करने के बाद से कंपनी का नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा रखा गया ताकि इसका शॉर्ट नेम उसी तरह से बरकरार रहे और पुरानी स्टेशनरी भी वेस्ट न जाए। अब यूं तो महिंद्रा कंपनी स्टील इंडस्ट्री के अंदर ठीक ठाक बिजनेस कर रही थी, लेकिन दोनों महिंद्रा भाई अपनी इस कंपनी में कुछ ऐसा करना चाहते थे जो कि उनसे पहले भारत में और किसी भी कंपनी ने न किया हो, और यहीं पर केसी महिंद्रा के विदेश में रहने का अनुभव उनके कंपनी के काम आया। वेल, केसी महिंद्रा ने आगे क्या किया यह जानने से पहले, अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और अपने पैसों को सही स्टॉक में इन्वेस्ट करके बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप शायद अभी कंफ्यूज होंगे क्योंकि आपको मार्केट की सही नॉलेज नहीं है। लेकिन आपकी इस चिंता का समाधान ऐसे एक्सपर्ट्स के पास है जो कि आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस और गाइडेंस दे सके। वैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोतीलाल ओसवाल भारत की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है जिसके पास 30 साल का एक्सपीरियंस और 22 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स हैं। साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देने पड़ते और अकाउंट ओपनिंग के लिए सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ की जरूरत होती है। मोतीलाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है जो कि आपको गाइड करता है कि कौन सा स्टॉक खरीदना और कौन सा बेचना है। इसके साथ ही मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं वैसे ही आपको वर्थ 25,000 का वेलकम बास्केट भी दिया जाएगा जिसमें कि आप उनके AI बेस्ड टूल का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ में आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के साथ में आप अपने मोबाइल ऐप या फिर कॉल के जरिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, अकाउंट ओपनिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और वहां अपना नाम, फोन नंबर और शेयर को भरें। हालांकि चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं और जानते हैं कि केसी महिंद्रा का विदेश में रहने का अनुभव कैसे उनके कंपनी के काम आया। दरअसल केसी महिंद्रा ने अमेरिका में रहते हुए वहां पर जीप को देखा था और जीप का कॉन्सेप्ट उन्हें इतना ज्यादा पसंद आया कि वे इसे भारत में भी लाना चाहते थे। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों ने विलेज जीप्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट जीता और साल 1947 में भारत के अंदर जीप बनाना भी शुरू कर दिया, जिसके चलते कुछ ही समय में महिंद्रा को भारत के जीप निर्माता कंपनी के रूप में जाना जाने लगा। जीप मैन्युफैक्चरिंग में मिली इस कामयाबी के बाद से महिंद्रा ने फिर कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरअसल जीप बनाने के कुछ समय बाद ही महिंद्रा लाइट कॉमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर के भी मैन्युफैक्चरिंग करने लगा था, और देखते ही देखते सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता कंपनी बन गई। अब आगे चलकर साल 1951 में जगदीश चंद्र महिंद्रा और 1963 में कैलाश चंद्र महिंद्रा का देहांत हुआ, जिसके बाद इस कंपनी की बागडोर महिंद्रा परिवार की अगली पीढ़ी के हाथों में आई। और दोस्तों, इस तरह समय के साथ इस कंपनी की बागडोर भले ही अलग अलग हाथों में जाती रही, लेकिन फिर भी ये कंपनी लगातार आगे बढ़ते हुए प्रोग्रेस करती रही। अब दोस्तों, अगर इस समय की बात करें तो इस समय महिंद्रा एक दो नहीं बल्कि 150 से भी ज्यादा कंपनियों का एक विशाल ग्रुप बन चुकी है, जिसमें कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक, महिंद्रा डिफेंस, महिंद्रा एरोस्पेस, महिंद्रा टू व्हीलर्स, महिंद्रा एजुकेशन, महिंद्रा फाइनेंस, टेक महिंद्रा और जावा मोटो जैसी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। साथ ही महिंद्रा का यह बिजनेस दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है, जिसके जरिए 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। और इस समय महिंद्रा कंपनी की बागडोर जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते आनंद महिंद्रा के हाथों में है, जो कि साल 2012 से ही कंपनी के चेयरमैन व MD के पद को संभाले हुए हैं। दरअसल आनंद महिंद्रा ने साल 1981 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपना MBA कंप्लीट करते ही कंपनी को ज्वाइन कर लिया था, और जब से कंपनी की बागडोर उनके हाथों में आई है तब से महिंद्रा ने और भी ज्यादा तेजी से प्रोग्रेस किया है। और इससे यह पता चलता है कि आनंद महिंद्रा एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन व लीडर हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है कि अपने नेतृत्व में वे महिंद्रा कंपनी को कामयाबी की और भी ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। तो दोस्तों, यह थी कहानी महिंद्रा एंड महिंद्रा की।
बाकी अगर आप इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो फिर लाइव हिंदी को सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को जरूर दबा लें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।